हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम यहां पर करने वाले हैं इंटीग्रल क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7th का क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रल फाइंड करना है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो जानेंगे किस तरह से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनवर्स की एक प्रॉपर्टी का यहां पर यूज हो रहा है और यह प्रॉपर्टी को आप याद रखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है 90π/2। डिनोमिनेटर में तो यह 90 बन जाएगा। अब हम न्यूमरेटर में क्या करें, साइन इनवर्स रूट एक्स और कॉस इनवर्स रूट एक्स दोनों आ रहे हैं, यानी किसी भी एक इनवर्स को दूसरे में चेंज करना है। तो हम कॉस इनवर्स रूट एक्स को इस फॉर्मूले से चेंज कर लेंगे साइन में। तो मैं कंटिन्यू करता हूं स्टेप को, साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स को हमने चेंज कर लिया, 90 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स में और डिनोमिनेटर 90 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हुआ करता है π/2। अब इसे ऊपर ले जाएं तो ये किस फॉर्म में बनेगा, 2/π। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का साइन इनवर्स रूट एक्स आएगा और ये साइन इनवर्स रूट एक्स, इन दोनों को हमने एड कर लिया और ये माइनस का 90, यानी हमें फाइनली जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। अब हमें क्या करना है, इस वाले 2/π से हमें मल्टीप्लाई करके इसे 2 इंटीग्रल में स्प्लिट कर लेना होगा। सो फर्स्ट इंटीग्रल क्या बनेगा, π/4 साइन इनवर्स रूट एक्स और यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल dx रह जाएगा जिसका इंटीग्रल होता है x। तो हमारे पास अब जो रिजल्ट आया प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो ये आया है। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसे हम अलग से यहां पर आई से डिनोट कर रहे हैं और जो भी वैल्यू आएगी वो हमें यहां पर आई के लगानी होगी। तो जानते हैं किस तरह से ये इंटीग्रल होगा, आई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसे मान लिया टी और अभी हम यहां पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव बहुत बड़ा आएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहां से रूट एक्स की वैल्यू को फाइंड करा जो साइन टी आएगी और इसके बाद बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। इस स्टेप में आने के बाद अब हम यहां पर इसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी डीटी और एक्स की रिस्पेक्ट में करा है dt/dx। 2 साइन टी कॉस टी क्या हो जाएगा, साइन 2t, यानी हमने dx की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो dx की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 साइन टी कॉस टी, यानी कि साइन 2t dt। तो अब हम वैल्यूज को इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे, ये आई इंटीग्रल में dx को इससे रिप्लेस करा जाएगा
और इसे हमने टी किया था पुट, यानी इंटीग्रल रिप्लेस करने के बाद क्या होगा देखते हैं यहां पर, इसे टी पुट करा और डीएक्स की वैल्यू साइन टू टी डी टी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे केस में क्या होता है यहां पर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाया जाएगा, आइलेट का रूल हमने पढ़ा था। तो इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन आई एल ए टी पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, यानी एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को लिया जाएगा सेकंड। अब इसमें अप्लाई कीजिएगा आइलेट का रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल साइन टू टी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस टू टी अपॉन टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और साइन टू टी का इंटीग्रल निकालेंगे फिर से आएगा माइनस कॉस टू टी अपॉन टू, तो माइनस माइनस मैंने यहां पे प्लस कर लिया और ये लिख दिया है इंटीग्रल। अब इसके बाद फाइनली इसे इंटीग्रेट कर लें और सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करें, तो करते हैं इसके आगे सॉल्व। वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, कॉस टू टी का इंटीग्रल साइन टू टी अपॉन टू। तो यहां तक तो हमने बेटा सॉल्व कर लिया, इंटीग्रल आ गया। अब हम यहां पर देखेंगे टी को किस तरह से हम चेंज करें एक्स में। हमें यहां पर टी की वैल्यू मालूम है साइन इनवर्स रूट एक्स, या हम ऐसा भी कह सकते हैं साइन टी हमें मालूम है रूट एक्स, और यहां पर ये कॉस टू टी आया ये साइन टू टी आया, तो वैल्यू को कैसे रिप्लेस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं इसे नेक्स्ट पेज में कैरी कर रहा हूं, हमारा इंटीग्रल आ चुका था माइनस वन अपॉन टू टी कॉस टू टी प्लस साइन टू टी अपॉन फोर। तो हमने यहां पर क्या करा, मैंने आपको बताया था हमारे पास यहां पर जो वैल्यू है ये वैल्यू साइन टी की है, अगर यहां पर ये कॉस एग्जिस्ट हो रहा है इसका मतलब है इसे हम साइन में चेंज करेंगे, और कॉस टू टी को साइन में चेंज करने का फॉर्मूला हुआ करता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर जो साइन टू टी आया इसे चेंज कर लें टू साइन टी कॉस टी अपॉन फोर, तो ये आ जाएगा माइनस टी अपॉन टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, इसे कर लें कैंसिल आउट, साइन टी तो ऐसी रहेगा लेकिन यहां फिर से ये बेटा कॉस आ गया, और कॉस को हमें साइन में चेंज करना है क्योंकि हमें वैल्यू किसकी मालूम है साइन की, तो कॉस को साइन में चेंज कैसे कर सकते हैं, कॉस टी को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर टी का रूट और ये कैंसिल आउट होके बचा टू। अब हम वैल्यू को रिप्लेस करने वाले हैं टी की वैल्यू, अब यहां पर इस पूरे में केवल टी और साइन टी रह गया, देखते हैं। देखिए टी की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, तो हम यहां पर टी को रिप्लेस करेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स से और साइन टी को रिप्लेस करेंगे रूट एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा यानी ये आ जाएगा केवल एक्स। ऐसे यहां पर देखिए साइन टी का मतलब क्या है, रूट एक्स
और साइन स्क्वायर टी का मतलब है x अपॉन टू। नाउ इन दोनों रूट को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आएगा माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स वन माइनस टू एक्स अपॉन टू, और इसे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो ये बेटा हमने आई फाइंड करा है और इस वैल्यू को कहां पे पुट करना था, देखिए ये पॉइंट 4i अपॉन पाई माइनस एक्स, 4i अपॉन पाई माइनस एक्स 4 अपॉन पाई, इंटीग्रल i को हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स वन माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये माइनस का एक्स। नाउ इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस टू अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स वन माइनस टू एक्स, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू अपॉन पाई रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कवर करा है जो एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है और पूरे प्रॉपर स्टेप में। तो इसी तरह के लेक्चर आपको आगे और भी मिलते रहेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लिस्ट करते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर।